हेलो फ्रेंड्स, घर के खाने में आपका स्वागत है। आज हम पालक पूरी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। हमने 200 ग्राम पालक लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है और काला जीरा लिया है। हम मैदा में नमक भी डालेंगे। हमने पानी को गर्म करने पहले दे दिया था, पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। और इसे बहुत अच्छी तरह से उबालेंगे जिससे पालक बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हम इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढककर उबालेंगे जिससे पालक जल्दी उबल जाए। पालक उबल चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। हम पालक को ठंडे पानी में भिगो कर रख देंगे 2 मिनट के लिए। हम हमने पालक का पेस्ट बना लिया है। अब हम मैदे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने नमक लिया है। दो चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है और काला जीरा लिया है। और हम इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पालक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यदि हमें पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी भी डालेंगे। हमारे मैदे का डो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से ऑयल लगा देंगे जिससे मैदे का डो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम 15 मिनट ढक के रख देंगे। मैदे का 15 मिनट हो चुका है, मैदे का डो सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसे इसकी लोइयां बनाकर बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे आटे के साथ बेल सकते हैं या फिर तेल लगाकर भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पे मैदा का यूज़ कर रही हूँ। देखिए पूरी कितनी गोल बेली हुई है। तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं पूरी को इसमें छान लूंगी। पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है, फूली फूली बनी है पूरी। हमारी पालक पूरी बनके तैयार है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंड थैंक यू।